माझी सांगली ग जाता साताराला जाता साताराला। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आया हूँ फिर से एक बार सातारा, और आज आया हूँ मानसून में सातारा में। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, आज हम लोग आए सातारा में हमारे शरद सर के गांव में, जिसका नाम है सर्वे यादववाड़ी। सर्वे यादववाड़ी बहुत प्यारा गाँव है, इसकी जर्नी देखना फिर आगे बात। सातारा महाराष्ट्र का एक खूबसूरत शहर है। मेरे घर से सातारा कुछ 250 किलोमीटर दूर है, बट हमें जाना था सातारा से 90 किलोमीटर और आगे, और हम सब निकल पड़े एक यादगार सफर पर। इस सफर पर मेरे साथ है अक्षय स्नैप गजानन खुशबू। मॉनसून का ये पहला लॉन्ग राइड है, मस्त बारिश को चीरते हुए हम सब निकल पड़े सातारा की ओर। सुबह बहुत ही जल्दी निकले थे, इसकी वजह से सबको भूख लगने लगी। सोचा लोनावला में आसिफ भाई के यहाँ मस्त मैगी खाएंगे, बट 50 किलोमीटर दूर चलते ही हमने ब्रेकफास्ट करने की ठानी, और हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए। मस्त नाश्ता करने के बाद अब हमें सातारा पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि शरद सर सातारा में हमारा इंतजार कर रहे थे। हम सातारा घूमने या कोई ट्रेक पर नहीं जा रहे थे, ये वीकेंड हमें एक शांत और सुंदर जगह जाना था, और हमें मौका मिला सातारा जाने का क्योंकि शरद सर के छोटे बहन की शादी थी, और हम शादी के बहाने मस्त लॉन्ग राइड के लिए निकल पड़े। मैं बहुत ही आलसी राइडर हूं, मुझे सफर का मजा और बीच हाईवे में एक कटिंग चाय बहुत पसंद है, और वो एक कटिंग चाय कप 3-4 में बदल जाती है, और उसके साथ 4-3 ब्रेक कब हो जाते ये मुझे भी नहीं पता चलता। इसीलिए 4 घंटे की ये राइड कब 6 घंटे की हो जाती है ये सच में नहीं पता चलता। सातारा शहर जब भी मैं जाता हूँ तब वहाँ शान से हमारे स्वागत में खड़ा होता है अजिंक्य तारा फोर्ट। सातारा की हर गली से अजिंक्य तारा फोर्ट बड़ी शान से नजर आता है। सातारा आए और डीजे भाई से ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गौर से देखो सातारा में हमें ज्वाइन किया डीजे भाई ने। सातारा से और आगे 90 किलोमीटर डीजे भाई हमारे साथ चलने वाले थे। सातारा से निकलकर हम पहुंचे निसरे ब्रिज। कोयना नदी को नमन करके डीजे भाई की बचपन की कहानी सुनी। बचपन में हम लोग है ना इसी रोड से जाते थे, तभी ये नहीं था ये वाला पुल, तभी वो पुल था ये सामने वो छोटा वाला। हाँ अरे बाप, और तभी हम लोग उधर से वो वाला जो वहाँ पे दिख रहा है चलते चले जाते थे, और वहाँ पे फिर गाड़ी दूसरा पकड़ के चले जाने, और फिर ये ऐसा ओवरफ्लो होता था तो कोई नहीं जाता था, बंद गाँव पूरा बंद हो जाता था। परसों बंद था क्योंकि पानी यहाँ तक था। क्या बात करे, परसों यहाँ तक था। वहां से हम पहुंचे डीजे भाई के गांव मारुल हवेली। ग्राम पंचायत मारुल हवेली आपला सर्च स्वागत करीत आहे। त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीने मी पाय पडतो। डीजे के बड़े चाचा के यहाँ चाय पीकर
और दादी जी का आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े शरद सर के गांव यानी पाटन तालुका की ओर। इस बीच मैं भूल ही गया मेरे गोप्रो को चार्ज करना और हमें शरद सर के गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई। शरद सर का गांव मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बी अ स्माइल डोनर। थैंक यू।